नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के सामने बहुत सारी मांगें रखी गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। सरकार के सामने धरना प्रदर्शन किए गए तो सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी के माध्यम से रिक्त पदों की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और जो भी रिपोर्ट यहाँ से बनेगी उसके आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन जैसे UPTET की परीक्षा यहाँ से रद्द हो गई उसके बाद से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो उम्मीदें वो थोड़ी सी कम हुई। लेकिन समस्या तो तब क्रिएट होगी जब आज की तारीख में जानकारी मिली कि UPTET की परीक्षा जनवरी में होगी और अगर जनवरी में आपकी जो परीक्षा है वो होती है तो क्या आचार संहिता से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों की तरफ से अपनी जो मांगें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और आचार संहिता से पहले हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार को जारी करना पड़े और जारी करवाने के लिए जो प्रयास है वो शुरू कर दिए गए हैं। लगातार अभ्यर्थियों से, ऑफलाइन कोचिंगों से माध्यम से, ऑनलाइन जैसे कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो तमाम बातें वो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो, क्योंकि काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी तैयारी कर करके काफी लंबा समय हो चुका है, टेट सीटेट क्वालिफाई हो गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को TET को रद्द करके कहीं ना कहीं और लटका दिया गया है। लेकिन आज 3 साल बीत चुका है और प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। 69,000 भर्ती के बाद से कोई भी सरकार ना विज्ञापन देना चाहती है ना देगी। उसका रीजन ये है क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान आप सुन रहे होंगे। शिक्षा मंत्री का बयान है कि शिक्षक भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए वेतन देना पड़ता है। दूसरा इसका एक बयान आया हुआ है मंत्री जी का, महोदय का, कि बच्चे और शिक्षकों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, हम पद नहीं दे पाएंगे। अब आप बताइए क्या उद्दीपक रूपी कुछ चीज हमें दिख रहा है? क्या उद्दीपक सर का तो दीपक आप सब है, जितना क्लास भरी रहेगी उतने ही सर उत्तेजना में उत्साहित होकर आपको पढ़ाएंगे और जहां बच्चे कमी होगी संस्था के डायरेक्टर तो सबको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। बच्चे कम हो गए, पेपर की कटिंग वायरल हो जाती है, 70,000 भर्ती आ रही, सभी संस्थाएं उसको बड़े बड़े दिखाती है भर्ती आने वाली, सब बच्चे अगर पढ़े। लेकिन आपको बताया क्या है ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि भर्ती की कोई उम्मीद नहीं। हम सब 3 साल से ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम भी आपकी तरह एक छात्र हैं, हम भी 10x10 के कमरे में जाते हैं तो पहले भारत का नक्शा और यूरोप का नक्शा लगाकर जहाज आदि बैठे थे, सुबह दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। लेकिन आज जानती स्थितियां क्या हो गई है, आप किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की आ गए हैं और घर से पैसा मांगने में सर, और जिसके लिए माँ बाप ने आपको पैसा दिया है कि जाएंगे आप अध्यापक मिलेंगे, माँ बाप कहीं जाते होंगे मंदिर में दरगाह में, तो उनका यही एक आप सबके बीच में ख्वाब रहता होगा कि हमारे बच्चे की नौकरी लगे। लेकिन प्रदेश सरकार नौकरी के लिए इच्छुक नहीं है। आचार संहिता 12 तारीख को लगने वाली है, संभवतः 12 तारीख को लग जाएगी। यहाँ तो आप पढ़ ही रहे होंगे कि आचार संहिता लगने के बाद ना कोई योजना का लागू होती है ना कोई विज्ञापन जारी होता है। तो आप बताइए कि आप 4 तारीख
और राज्य में भी 69,000 भर्ती के पास भर्ती नहीं देख रहा हूँ, ना सरकार ने मंशा भर्ती देने की। बताइए कैसे होगा? कब इसका आकलन है? दूरभाष से सोचा है? नहीं, सोचिए। सीटेट स्टूडेंट होंगे, सर तो आप बहुत पढ़ाते होंगे। एक बुद्धिकारक भी बुद्धिकारक है, कभी इनसे पूछे ऐसा भर्ती हमारी कब आएगी? भर्ती के लिए कुछ बताइए। कोई कोविड काल में दूरस्थ शिक्षा दे दे रहे हैं, अभी कोविड खत्म हो औपचारिक शिक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि भर्ती के बारे में कोई बात कर रहा हूँ? इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, सारी कोचिंग संस्थाओं को बंद कराया गया और बच्चों के बीच में जा करके बच्चों को बताया गया कि सर आपको बताया गया कि भर्ती धरने में आई है। एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया भीड़ को देखते हुए और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के पास फैक्स किया, इस पर तत्काल कार्रवाई हुई। लेकिन जानते हैं सरकार नहीं सुनती, प्रशासन इनके अंतर्गत ही रहता है ना, नहीं सुनती। अब लखनऊ में हम संभालना चाहते हैं, हम भी ट्रेड सीटें पास होकर भी आज भर्ती नहीं पा रहे। क्या उम्मीद करते हैं कि आप ट्रेड सीटें पास होने के बाद आप नौकरी पा रहे? जैसे ही आप सीटें पास होंगे ना, उसके बाद क्या होगा हम बता रहे? इसके बाद आचार संहिता होगी, एक साल तक चुनाव चलेगा, एक आचार संहिता चलेगी, आचार संहिता के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा या पुराने जी बनते हैं, पुराने काम तो अब देख ही रहे हैं कैसा है, कौन बनता है कौन नहीं बनता उससे मुझे मतलब नहीं है। जो भी बनेगा साल डेढ़ साल तक लूट घसोट मंत्रिमंडल हेर फेर यही चलेगा, आपको बता दें। हेर फेर के चक्कर में आपको 2 साल ये वेस्ट होगा और आगामी सरकार जो होती है वो सोचती है कि हमें कब भर्ती देना है। तो अधिकतर जो सरकारें होती हैं वो आचार संहिता के लास्ट पहले ही भर्ती देने की कोशिश करती है चुनावी माहौल, क्योंकि उनको पता रहती है जनता मूर्ख होती है, लास्ट टाइम में भर्ती देंगे तो वही जनता मानेगी। और इसमें बाबा जी ने पहले बोल दिया है, हमने 69,000 भर्ती दे दिया है, अब दूसरा काम करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ 7 दिसंबर को SC/RT पर 10 बजे धरना है। ये धरना हमारा कोई नहीं, ना कोई राजनीति है, ना कोई नेता है, हम सब भी आपकी तरह प्रशिक्षु प्रशिक्षित ही हैं। बस इतना अंतर है कि हम सब हक और अधिकार के लिए अग्रसर होकर लड़ रहे हैं और आप सबको जागृत कर रहे हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब जरूर आएंगे। राम जी अगर बात करना चाहते हैं आप, सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि अपने लिए अपने माँ बाप के लिए जो आप एक उद्देश्य लेकर आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज सीटेट होने के उपरांत जैसे सीटेट जो अपने नियत समय पर ही होगा उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, जो पास नहीं भी हुए वो पास हो जाएंगे, उससे आप निश्चिंत रहिए। परंतु हमें सोचना ये है क्या प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती देगी, मेन हमारे सामने प्रश्न वो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, जब हम प्रयत्न करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यही हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आप भी यही पढ़ रहे हैं, जितने भी सिद्धांत देने पर कार्य करते हैं कि जब तक वो बिल्ली ने प्रयास नहीं किया या कुत्ते ने प्रतिक्रिया नहीं दी तब तक उसको मिला नहीं। इसी प्रकार से हमको ये प्रयास करना होगा कि दबाव बनाया जाए अपने किस से, अपनी संख्या से, संख्या बल से। आज की डेट में लगभग 20 लाख टेट सीटेट पास बैठे हुए हैं, अब जो टेट सीटेट होंगे उसमें लगभग और हो जाएंगे 10 लाख तो मैं मान के ही चलता हूँ, लगभग आगे निकाल लेंगे जिस प्रकार से चल रहा है। अब समझिए संख्या 30 लाख की आती है तो उसके लिए भाई कोई शिक्षक भर्ती आनी भी तो चाहिए। मेन प्रश्न ये है अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती उसके बाद का आप सोचिए क्या हमारा भविष्य होगा, उसमें हम करेंगे क्या और हमारे जो सपने हैं वो उनका क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने बहुत मेहनतें करके कैसे अरेंज करते हैं वो आप लोग नहीं जानते। कई माँ बाप ऐसे होते हैं हमारे भी तो वो लोग यही बताते हैं स्टूडेंट कि सर आपको मैं कैसे बताऊं कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे उन्होंने किया। कई माँ बाप बताते नहीं अपने बच्चे को नहीं बताए क्योंकि हतोत्साहित हो जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं, वो कहेगा अगर आप इस तरीके से पैसा बना रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं बताते हैं। पर आपके लिए भेजते हैं, आपने कहा पापा मुझे 5,000 चाहिए तो वो कैसे आ रहे 5,000 ये नहीं मायने रखते, आपने बोला उसकी पूर्ति वो कर दे, सही है कि नहीं? परंतु तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों में कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो 7 दिसंबर 2021 को लखनऊ SC/RT पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ी मांग होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आचार संहिता से पहले। अगर नहीं आती है तो लाखों छात्रों को एक बड़ा झटका लगेगा। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से एक अंतिम और सबसे बड़ा प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।